अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। लंबी जबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाता गत है, तो इस वजह से जो है तागे को लपेट के रखना और जबान को समेट के। अभी इंशाल्लाह एक ऐसा फार्मूला बतला दूं मैं आपको, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह आपके दांतों की तकलीफ दूर हो जाती है। पहले मेरे माँ से पूछेंगे क्या तकलीफ है इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ, खैरियत से ही? हाँ, क्या तकलीफ, क्या है बोलो? ये दांतों में थोड़ा पानी पीता, ठंडा ठंडा हो रहा है, थोड़ा कमजोरी, मतलब थोड़ा सुनसाना हो रहा है, जरा कुछ खाए करे तो। हाँ, जरा खट्टा खाए तो जरा बहुत दर्द पे दर्द भी है। अच्छा ठीक है, और कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ थायराइड का फार्मूला ली थी मैं? हाँ, तो अभी कम है थोड़ा, मतलब जगह जगह पे थोड़ा सा घट हो जा रहा था, जगह जगह पे वो थोड़ा नरम पड़े, तो मैंने हाँ क्या तीसरा महीना आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको आपको क्या फ़ायदा हुआ दवा से? शुगर कंट्रोल भी। कितने महीने दवा खाए आप? एक ही महीने? गोलियां खा रहे क्या? कितनी थी शुगर? 250 पर 7 तक थी, 200-250 पर 7, अब 80 पर 7 और 112 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर से मिले आपके? नहीं मिले। कब से शुगर, कब से? 12 साल से। कंट्रोल में नहीं हो रही थी क्या? कंट्रोल में बताना ना, बीच में ये दवा के जब से कंट्रोल में, कंट्रोल में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो पकड़ो आपका। अभी खाना जा रहा क्या? कितने डॉक्टरों से मिले थे आप? तीन डॉक्टर दिखाए। क्या बोले तीनों डॉक्टर? तीन डॉक्टर क्या बोले, लीवर में ज्यादा फैला है, पीठ में हो रहा है, अभी कुछ इलाज होता नहीं उनका। हां ऐसा बोले। हां अभी तुम्हारे दवा एक महीना चल रहा है, उससे थोड़ा अभी खाना खा रहे हैं और थोड़ा चल रहे हैं। हां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ले पकड़ो। कौन सा स्टेज कुछ बताए थे? ये जो एडवांस है बोले तो इतना ही हो। हां थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज अब होता नहीं करके बोल दिए थे, ठीक है। आप कल आपकी कैसी है तबीयत? अच्छी है। क्या क्या तकलीफ थी आपको? अब क्या है, क्या फर्क क्या है अब? सब अल्लाह का शुक्र है। हेलो, और आपकी तबीयत क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एलो, और आपकी तकलीफ? मेरे घंटों में दर्द था, मैं उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता, गोली खाया तो कम था, अब तो 2 महीने से गोली नहीं खा रहा हूँ। हाँ हाँ माशाल्लाह, आपकी दवा से ठीक है? हाँ थोड़ा कम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चल रही फिर रिंकी, उठ रही बैठ रही अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो पकड़ो। ये रिजल्ट्स बताने का ये मकसद के आप लोग जो भी दवा ले रही, ये दवे के साथ साथ ये नियामतों का भी इस्तेमाल करो आप, समझ में आ रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ये देखो भूम, इसे बोलते जख्म हयात का पत्ता, गुंडी का पत्ता। देखो ही नहीं, घरों के आसपास बेहिसाब मिलता, मुफ्त में मिलता। हाँ मिलता, खुश हो गए ना? तो ये पत्ता खाली चाप को थूकने से आपके दांतों का मसला हल हो जाता, खाली चाप को थूकने से अंदर इन्फेक्शन है तो दूर हो जाता, यहाँ तक के मौत, कैंसर भी क्योर हो जाता है इससे इंशाल्लाह।
हाँ, जिनको भी दांतों की तकलीफ है, दांतों में खून आना, दांतों में झुमझुमाहट हो जाना, ठीक है, दांता हिलना, ये तकलीफ है, तो उन्हें क्या करो, सोंठ ले लो, सोंठ पाउडर बना लो, और फटकरी, फिटकरी भी बोलते हैं उसे, आपको मिल जाता दवासास में, जाजी के दुकान में, फंसारी के दुकान में जाके पूछो, आपको फटकरी मिल जाता। फटकरी और सोंठ ये दो को, फटकरी को पाउडर बना लो और सोंठ का पाउडर, दो भी मिक्स कर लो, आपके दांतों का मंजन, एक केला भी लो, आपके दांतों का मंजन, दाल को रगड़ो, इंशाल्लाह एक ही बार में शिफा हो जाता आपको। इक्वल 50-50 ग्राम ले लो, हाँ हाँ, बना लो पाउडर, सुबह में ब्रश करते ना केमिकल का, कम उम्र में दांतन छट जा रही हैं आज, हाँ आराम से, हाँ टूथपेस्ट यूज करते ना, ये पूछती क्या डेली ब्रश लगड़ सकते बोल के, पहले मंजन तो लगड़ते लोग घट रहते थे दाता, हड्डा कतर को खा जाते थे, अब गोश्त तक चापने की जो है हमने सलाहियत नहीं है, वो भी निगलती डायरेक्ट डस्टबिन ना पेट, वह हजम करने टाइम बहुत लेता, फिर मोशन को 2 घंटे बैठती, किलती किलती किलती, इफेक्ट किसे होता, लीवर को, समझ रही हैं आप, ये मंजन, सुबह को ब्रश लगड़ो, तुम्हें तसल्ली नहीं होती, ब्रश लगड़ लो रात में, ये जो बोला मैं मंजन, सोंठ का पाउडर और फिटकरी घर पे बना के रख लो आप, डेली रात में ब्रश करो अंगली से, ये अंगली सबसे बेहतरीन ब्रश हमारा, यही करते ही साफ हो जाते, सच में अल्लाह वो खासियत तो सलाहियत रखी इन चीज़ों में। हाँ तो आप क्या करो, मंजन बना लो घर पे, डेली रात में लगड़ ले सकते, और एक बेहतरीन मंजन वो भी बनाने का बतला के हूँ मैं, थोड़ा रिसेंट मेरे वीडियोस जाके देखेंगे तो आप मिल जाता, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बना के 1 से 2 बार जो है मैं लोगों को दिया, अच्छा फ़ायदा हो रहा, तो फुल डिमांड हो रहा था, लेकिन मेरे पास बड़े बड़े बीमारियों के इलाज होते थे, अब दांतों का इलाज कहाँ से कर लगे बैठते, बहुत बड़ा फार्मूला है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब बना के किसी को दिए 1000 रुपये में अंख्या मुझको लेते हैं, उतना फ़ायदा है वो, तो वो मैं देता तकरीबन 500 तक खर्चा आता था, क्यों बोले तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब ज़्यादा रहता ना, तो मेरे दवाओं का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता, अब मैं 150 में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बनता 150 के अंदर ही, तो इस वजह से आप लोगों की मेहनत रहना बोल के मैं फार्मूले बोल दे रहा हूँ आपको, आप लोग मेहनत करे तो अल्लाह शिफा देते, पैसे पैसे पूरा पैसे से नहीं चलता, पैसे से कुछ भी, समझ में आ रहा, तो चीज़ें सीख जाओ। और ये केला भी अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है, और इसके भी इतने फ़ायदे अगर आपको मालूम हो गए तो निकाज कर लेते हैं आप, हाँ उतने फ़ायदे हैं इसके, दांत में दर्द हो रहा, खून आ रहा, केला अच्छा चबाओ, केले से ब्रश में रगड़ो, इमीडिएट खून आना बंद हो जाता, दाँता इमीडिएट अच्छे हो जाते आपके, यानी खाली अल्लाह कुन कह तो हुआ शिफा आपको, ठीक है नहीं, तो अल्लाह को पहचान लो, अल्लाह को जान लो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह आपको एक एक चीज़ों की पहचान कराएंगे इंशाल्लाह, नहीं तो मेरा वीडियो आया तो भी हूँ आप हटा देते, नहीं तो गालियाँ लिखते, नहीं तो ब्लॉक कर देते, है नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चाहने वालों की 1 लाख लोगों की खाली फेसबुक में जो है फैमिली हो गई, YouTube पे 1 लाख लोग, अल्लाह का फसल करम, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की मोहब्बत, ये अल्लाह ताला के तरफ से है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि माशाल्लाह इखलास वाले लोग, अल्लाह वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रही हैं, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप हमेशा, इंशाल्लाह मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे वीडियोस तो रहेंगे आपके पास इंशाल्लाह, फ़ायदा उठा लियो और दुआओं का सिलसिला जारी रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर, 21 तारीख को मुंबई, फिर यही महीना 25, 26, 27 को गुलबर्गा, फिर 29 को बीदर, 30 को रायचूर, 31 को करनूल।
इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495 7975414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत एक्टिंग पूरे माशाल्लाह।